हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है आज के इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक और टॉपिक का नाम है वर्किंग कैपिटल ये जो टॉपिक है बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट है एज ये टॉपिक एग्जाम में दो बार पूछा गया था एक मार्च 18 और जुलाई 22 में राइट right, मार्च 18 में ये पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा था और जुलाई 22 में भी ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा था इसके अलावा एक और टॉपिक में कवर करने वाला हूँ और वो टॉपिक है आपका डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इन नेट वर्किंग कैपिटल और ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो कि एग्जाम में फाइव टाइम्स पूछा था इट मींस कि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये दोनों टॉपिक जो है वो मैं कवर करने वाला हूँ राइट तो स्टार्ट करते हैं क्लास और समझते हैं कि टॉपिक्स क्या है और क्लास स्टार्ट कर उससे पहले अगर आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्ले बना दिया है आप उसमें से वीडियोज देख सकते हैं ठीक है स्टार्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल देखो अगर मैं अकाउंट की लैंग्वेज में जाऊं और मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं सारे के सारे स्टूडेंट्स को एटलीस्ट अकाउंट का बेसिक इन्फॉर्मेशन तो या बेसिक नॉलेज तो होगा ही राइट तो अकाउंट्स में हम लोग वर्किंग कैपिटल पढ़ते हैं तो क्वेश्चन होता है सर अकाउंट में वर्किंग कैपिटल क्या होता है या मैं ये पूछता कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है अकाउंट्स में तो हम लोग ने पढ़ा था करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी याद होगा चैप्टर नंबर फाइव में ये फॉर्मुला यूज होता है और इसके अलावा भी ये फॉर्मुला हमने कई बार सुना करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी ये होता है आपका वर्किंग कैपिटल ओके तो अब बेसिकली पे हम लोग क्या करने वाले ध्यान से सुनना किसी भी बिजनेस में दो टाइप के एसेट्स की रिक्वायरमेंट होती है एक फिक्स एसेट्स की यानी फिक्स कैपिटल की और एक वर्किंग कैपिटल की राइट ध्यान से सुनना दो टाइप्स की कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू परचेज फिक्स एसेट्स सच एज अ लैंड बिल्डिंग

डेटर्स बिल्स रिसीवेबल, एटसेट्रा इट मीन याद रखना है कि जब भी कोई पूछेगा कि वर्किंग कैपिटल क्या डिनोट करता है या वर्किंग कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किधर होता है तो याद रखना है कि वर्किंग कैपिटल इज बेसिकली इंप्लॉयड इन करेंट एसेट्स नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट व्हाट आर करेंट एसेट ऑफ अ बिजनेस तो करंट एसेट्स मीन्स रॉ मटीरियल डेटर्स बिल्स रिसिबल स्टॉक्स कैश कैश तो ऑलरेडी है और कौन सा हो गया डेटस हो गया ये हो गया अदर अदर एसेट्स विच आर शॉर्ट फॉर अ शॉर्ट टर्म राइट तो यहां पे एक बात याद रखना है आर फॉर अ शॉर्ट टर्म लाइक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है ओके नाउ इट रिमेन्स कॉन्स्टेंटली कैलकुलेटिंग सर्क्यूलेटिंग इन अ बिजनेस दे फॉर वर्किंग कैपिटल इज कॉल द लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस याद रखना है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्किंग कैपिटल इज कॉल्ड द लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस बिकॉज इट कॉन्स्टेंटली सर्क्यूलेट्स इन अ बिजनेस ओके नाउ डेफिनेशन पे आते तो डेफिनेशन का uh, मैंने पहले ही बता दिया था कि बेसिकली करंट एसेट्स ओवर करेंट लाइबिलिटीज इट मीन की वर्किंग कैपिटल इज एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर कैपिटल ओवर करेंट लाइबिलिटीज

एक लाइन याद रखनी है बस ओके नाउ द क्वेश्चन व्हाट इज नेटवर्किंग नेटवर्किंग कैपिटल कैपिटल सो मींस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी ये रहा नेटवर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट्स बीच में माइनस नहीं है तो ये माइनस लगा देता हूं नेट नेटवर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज

पे करने की कैपेसिटी दैट इज नोन लिक्विडिटी लिक्विडिटी का मतलब कि सामने वाले पर्सन को आप कितने इजिली पेमेंट कर सकते हो राइट right? तो यहाँ पे ये डज नॉट इंडिकेट बट इट इंडिकेट्स विच वन नेटवर्किंग कैपिटल ओके नाउ द थर्ड वन Financial position in measurement does not give a true idea of the financial position because it considers gross. आइडियाल gross में क्या था कुछ ऐसे भी है, जो हमारे लिए इतने यूजफुल नहीं होते। होतेड यहाँ पे stock, right? लिखा नहीं है प्रीपेड बट अकाउंट्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रीपेड भी कंसिडर होता है बट यहाँ पे नेटवर्किंग कैपिटल इट द ट्रू आइडिया ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ अ कंपनी नंबर फोर इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी अब इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी इंक्रीज इज द ग्रोथ वर्किंग कैपिटल इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी डज नॉट इंक्रीज इन नेट वर्किंग कैपिटल तो यहां पे याद रखना है कि इंक्रीज इन करेंट लाइबिटी इंक्रीज इज द ग्रोथ वर्किंग कैपिटल बट इन केस ऑफ नेटवर्किंग नेट वर्किंग कैपिटल इट डज नॉट इंक्रीज इज द नेटवर्किंग कैपिटल मतलब यहां पे क्या है इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटीज इंक्रीज इज द ग्रोथ वर्किंग कैपिटल मतलब ये है कि यहां पे तो हमें सिर्फ कंसिडर किसको करना है यहां पे अगर मैं बात करूं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की तो सिर्फ कंसिडर करना है यहां पे करंट एसेट्स को जैसे की करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी अब यहाँ पे मान लो पांच में से यहाँ पे लाइबिटी दो रुपए था अब मान लो पांच से तीन हो गया तो ये फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा uh, I mean, फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा तो इट मीन इट डज नॉट इंक्रीजेज इन नेटवर्किंग कैपिटल

राइट एक दो बार रीड करोगे तो अपने आप ये आदत हो जाएगी ये हैबिट हो जाएगी और ये आपको बेनिफिट देगा जैसे मैंने कहा इसमें चार पॉइंट है एक है मीनिंग दूसरा लिक्विडिटी नंबर थ्री फाइनेंशियल पोजिशन एंड नंबर फोर इक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी सो इट मीन की चारों पॉइंट्स को माइंड में रख के आप इजिली आंसर्स को लिख सकते हो एंड इजिली आंसर्स को याद कर सकते हो ठीक है तो आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आएगा और अच्छा लगा होगा और समझ में भी और अच्छा भी लगा है तो दोनों चीज के लिए एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना ठीक है फिलहाल आज के लिए इतने ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे